मुमरा के उन नौजवान बच्चों के नाम जो खेलना चाहते हैं। और आज मुमरा वालों को बता देना कि ये मैदान उनके लिए खुल गया, कभी भी आओ, कोई भी खेलो, जब तक जान में जान है ये ग्राउंड आपके पास है। ऑफिशियली किसी का बाप नहीं रोकेगा तुमको। अरे आज से अभी तुमको दौड़ना है क्या? इधर जाओ, दौड़ के आओ। सब लोग कुछ किया ही नहीं 13-15 साल में। एक रास्ता नहीं बनाया, एक गटर नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, लाइट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। मैं तो काम ही करता नहीं था। तो जितेंद्र आव्हाड जो है वो हमेशा खोखली बातें करते रहे हैं। उन्होंने कभी मुमरा वालों को एक इंच जमीन नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो प्लेग्राउंड देने की बात तो बाद में करे, पहले तो ये बताए कि वो ज़मीन के सर्वे नंबर क्या है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उधर रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन जो है वो मौजे कौसा सर्वे नंबर 55-56-57 ये उसके सर्वे नंबर है। और ऑलरेडी जब कोई रिजर्वेशन जो भी शहर के लिए लोगों के लिए दिया जाता है तो वो रिजर्वेशन का एक प्रोसेस होता है जो महानगर पालिका को करना होता है। तो अभी तक क्या महानगर पालिका ने वो ज़मीन प्लेग्राउंड के लिए अपने अंडर में ली है ज़मीन मालिक से? और उसके अलावा वो 7-12 महानगर पालिका के नाम पे वो 7-12 घुमा है या नहीं घुमा है? वो 7-12 वो महानगर पालिका के नाम पे चढ़ा या नहीं चढ़ा है? और वो ज़मीन प्लेग्राउंड के लेने के ताल्लुक से ज़मीन मालिक से महानगर पालिका ने रब्ता की है या उनकी कन्वेंस डीड बनी है या नहीं बनी है, इसके ताल्लुक से अभी तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। तो प्लेग्राउंड मिलने की बात तो तब आएगी ना कि जब ये सारी चीज़ों के ऊपर महानगर पालिका पूरा प्रोसेस करके वहाँ पर बोर्ड लगाए और ऐलानिया ये सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा पेपर में छापे कि भाई मुमरा वालों को ठाणे महानगर पालिका की तरफ से जो है वो प्लेग्राउंड मिल गया है। ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। खाली जबानी बोलना ये बहुत आसान है। वो जितेंद्र आव्हाड हमेशा जबानी बोलते आए हैं। आने वाले 1-1.5 महीने में जो इलेक्शन है उसको देखते हुए तो ये कार्य नहीं किया गया है। भाई देखो, इलेक्शन के ताल्लुक से ही तो 15 साल से आज मुमरा वालों को गुमराह किया गया। मुमरा वालों को मिला क्या? मुमरा वालों ने तो भर भर के वोट दिए जितेंद्र आव्हाड को, लेकिन आज जितेंद्र आव्हाड इन्होंने मुमरा वालों को क्या दिया वो तो बताए। खाली वो गलियों की सड़कें बनी, अन नाले बने, अन घर में पानी मिल गया पीने के लिए और लाइट आ गई, इसको क्या विकास बोलते क्या? ये तो प्रॉपर सुविधा है, ये महानगर पालिका और लाइट विभाग से तो मिलते ही रहती है। हाँ, जो काम मुमरा के अंदर विकास के नाम पे होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुमरा वालों को मिलना चाहिए, उसके लिए कहाँ इन लोगों की तरफ से कोशिश है और काविश है और कोई चीज़ मिली है क्या आज तक के? अभी आप देखो ना, कब्रिस्तान का मामला हमारा ख़राब हो चुका है। अभी 6 रिजर्वेशन जो है मित्तल के अंदर, उसका मामला हमारा अभी इतना ख़राब चल रहा है कि वो भी हम इन फ्यूचर मुमरा वालों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इलेक्शन के ताल्लुक से तो हमेशा इन लोगों ने गुमराह किया और आज भी गुमराह कर रहे हैं और आगे भी गुमराह करते रहेंगे। सर, इस महीने में 2 कार्य उन्होंने किया है, एक शादी खाना दिया और एक प्लेग्राउंड। अरे भाई, शादी खाना का भी जो है ना वो हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे मुमरा के बच्चों के एजुकेशन के लिए वो ज़मीन रिजर्वेशन है, सर्वे नंबर 36 कौसा मौजे कौसा सर्वे नंबर 36 वो रिजर्वेशन है स्कूल का। और वही रिजर्वेशन खराब करके अगर वहाँ पे शादी खाना आ रहा है तो इसमें मुमरा वालों का क्या फ़ायदा हो रहा है? उधर तो रिजर्वेशन का एजुकेशन के ताल्लुक से तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज एजुकेशन की मुमरा वालों को इतनी ज़रूरत है कि सरकारी रिजर्वेशन के ऊपर सरकार की तरफ से वहाँ पे स्कूल बना के बच्चों को मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह गोर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। वो तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। अब शादी खाना अगर बनाना ही है तो मुमरा के अंदर बेशुमार प्लॉट खाली है महानगर पालिका के। मैं बताता हूँ, अगर किसी को ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना है तो मेरे साथ चले, मैं स्पॉट सर्वे पे बताता हूँ कि ऐसी भी ज़मीनें पड़ी है कि जहाँ पे शादी खाना और दूसरी चीज़ें जो है वो मुमरा वालों को बना के मिल सकती है, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं बनवा रहे? रिजर्वेशन ही ख़राब क्यों करना है आखिर? एक रिजर्वेशन स्कूल का जो बचा हुआ है उसको भी तुम खराब करना चाहते हैं। अभी वही स्कूल का रिजर्वेशन यहाँ पे घास वाला कंपाउंड के अंदर मौजे कौसा 146 नंबर सर्वे नंबर के ऊपर वो रिजर्वेशन था, वहाँ पे भी आपने स्कूल ना बनाते हुए एक गैर कानूनी तरीके से गार्डन बना दिया। तो ये मुमरा वालों के साथ में धोखा ही हो रहा है उनकी तरफ से, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब प्लेग्राउंड की जो आपने बात की और जो न्यूज़ के अंदर चल रही है बातें, तो प्लेग्राउंड का जो लीगल प्रोसेस है वो अभी तक हुआ कहाँ है?